2 साल पहले जो सरकार ने यहाँ पे एक रोजगार के नाम से हमारे मजदूरों के कार्ड बनाए थे और पूरे देश में एक ढिंडोरा पीटा था कि यहाँ पे हमने सभी पंचायतों में रोजगार दिए हैं, और वो रोजगार ये था कि जो हमारा मजदूर तबका है पंचायतों में उनके ठेकेदारी के कार्ड बनाए गए थे। तो अभी आप देखते हैं 2 साल से हर जगह पे वो काम कर रहे थे, मजदूरी अपनी कर रहे थे, हालांकि वो ठेकेदार हैं मगर वो ना ए क्लास ठेकेदार है ना वो बी क्लास ठेकेदार है, वो बड़े ठेकेदार नहीं है। अभी आप देखिए कल का एक बहुत बड़ा मसला यहाँ पे बन गया, जो 31 मार्च को हमारा क्लोजिंग होता है फाइनेंशियल ईयर का, उसको 29 तारीख को ही बंद कर दिया। और जो हमारे बिल पेंडिंग थे, जो ठेकेदार छोटे मजदूरों ने जिनके ठेकेदारी कार्ड है उनके जो बिल सबमिट हो गए थे वो एंटरटेन नहीं हुए और वो सारा का सारा पैसा लैप्स हो गया है, जिसकी वजह से हमारे इलाके में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है एक गरीब तबके को, मजदूर तबके को। और मुझे मालूम हुआ है कि ये सिर्फ यहाँ पे भलेसा में ही नहीं बल्कि पूरी रियासत में जितने भी ब्लॉक्स हैं और सब डिविजन्स हैं उनमें आरटीटी के सभी हर जगह पे ये पैसा लैप्स हुआ है। इसके अलावा अलग महकमे जैसे पीडब्ल्यूडी है या दूसरे महकमे हैं, इनका भी पैसा लैप्स हुआ है क्योंकि उसको 29 तारीख को ही क्लोज किया गया है। आप इसमें डिपार्टमेंट का कोई फॉल्ट नहीं मानते टाइम देखिए एक टेबल के एक अंदर? एक एक कहावत है, एक शेर है, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गिला नहीं है, तेरे ही रहबरी का सवाल है। हुकूमत से ही हमने सवाल करना है, अब ये काम हुकूमत का है चाहे वो मुलाजम से कराएं काम या किसी से भी कराएं। अगर कोई नालायकी होती है उसकी जिम्मेवार सीधे सीधे हुकूमत होती है, अगर किसी अफसर से या किसी से मुलाजम से कोई गलती हुई है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और जो नुकसान हुआ है इतना गरीब लोगों का तो उसकी भरपाई कौन करेगा? अब एक मजदूर ने कार्ड बनाया है और उसने मटेरियल भी है उधार पे, उसके बाद मजदूर जो उसके पास बाकी काम कर रहे थे वो भी उधार पे काम कर रहे हैं, ना वो मटेरियल देने का रह गया है ना तो मजदूरों की मजदूरी देने के लायक रह गया है। इसलिए मेरी अपील है कि इस पे बहुत जल्दी फैसला लिया जाना चाहिए और जो नुकसान हुआ है उसकी हुकूमत को भरपाई करनी चाहिए। आपने परसों उनका एक पोर्टल बंद था उसको भी खुलवाने की कोशिश की थी, उसके बाद क्या हुआ? जी, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का पोर्टल था मैंने बात की थी सेक्रेटरीट में, उनने खोल दिया था मगर उसके बाद जो इसमें ट्रेजरी का जो काम था तो वो मुझे रात को 8-9 बजे पता चला, तो उस वक्त मैंने फोन किया था मगर तब तक सेक्रेटरीट बंद हो गया था। मगर वो तो 29-28 तारीख की बात है, अभी 31 तो कल है, कल तक ये काम होना चाहिए था, ये क्यों 2 दिन पहले ही? ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग 2 दिन पहले ही कर दी है। जब हम कॉन्ट्रैक्टर्स कहते हैं तो पब्लिक में एक मैसेज जाता है कि शायद ये बड़े बड़े ठेकेदार हैं, मगर ये बड़े ठेकेदार नहीं, ये मजदूर हैं जिनको कॉन्ट्रैक्टर का कार्ड मिला है डी क्लास, ठीक है ना? तो इनकी जो इंसाफ है इसके लिए पूरी हम लड़ाई लड़ेंगे, और अगर सरकार से नहीं हो पाया जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का प्लान होगा उसमें अगर पंचायत का कंपोनेंट होगा मैं कोशिश करूंगा कि इनका ऑनगोइंग में एसओएस में रखा जाए ताकि इनको नुकसान ना हो। ये सिर्फ इनका नुकसान नहीं हो बल्कि दुकानदारों से जान जिनसे इनने मटेरियल लिया है उनका भी नुकसान हुआ है, और जो मजदूर दिहाड़ी पे काम कर रहे थे उनका भी नुकसान हुआ, ये हर इलाके का हर घर का नुकसान हुआ।